चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे यूडी न्यूज के साथ। मैं हूं पंकज दुबे। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एसटी एससी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित कुमार के सिंगरौली आगमन पर निगरी से निवास तक बाइक रैली व निवास पर स्वागत समारोह किया गया, जिसके उपरांत ने मीडिया से रूबरू हुए और अपने उद्देश्य को बताते हुए कहा, मध्य प्रदेश में एसटी एससी ओबीसी जन प्रतिशत के हिसाब से महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस 14 सूत्री मांगों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। यह पूरी रथ यात्रा किस उद्देश्य में चल रही है, किस उद्देश्य में निकाली गई है, क्या इसका मोटिव? मैं ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा। पिछले महीने की 24 सितंबर से हम लोगों ने ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संविधान संदेश अधिकार यात्रा स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए ये मध्य प्रदेश की जबलपुर में इसका समापन संविधान दिवस 26 नवंबर को किया जाएगा। इस यात्रा को निकालने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस देश में जो ओबीसी समाज है उसके जो संवैधानिक हक अधिकार है, जो एससी एसटी समाज है उसके संवैधानिक हक अधिकार है, किसानों की बर्बादी हो रही है, एक दिन में 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, और भी हमारी 14 सूत्रीय मांगों को लेके ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा में सीटों का आरक्षण है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण का मामला है, एससी एसटी ओबीसी को राज्यसभा में एक भी सीट सुरक्षित नहीं है, ऐसे 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से और सम्माननीय राष्ट्रपति जी से और देश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से हम मांग कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से कि हमारा जो संवैधानिक हक अधिकार है उसको वापस कर दीजिए। 74 साल आज़ादी के हो गए हैं और अगर आज हमारे हक अधिकार आप वापस नहीं करते हैं तो हम गांव-गांव तक संगठन पहुंचा के ओबीसी एससी एसटी समाज को जोड़ के संवैधानिक रूप से हक अधिकार कैसे लेते हैं वो हम भलीभांति जानते हैं। इसी उद्देश्य को लेके ये यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। आप अपने इन मांगों को लेके कितना सफल हो पाएंगे, अब क्या हुआ? पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। आज हमारा समाज पढ़ गया है, ओबीसी के नौजवान जाग गए हैं और वो अपने संवैधानिक हक अधिकारों के प्रति जागरूक है। हम पूरे देश में एक एक गांव में संगठन बना रहे हैं और संगठन बनाने के बाद 72 करोड़ अकेला ओबीसी समाज है, 30 करोड़ एससी एसटी समाज है, हम लगभग 105 करोड़ लोग हैं। जिस दिन 1 करोड़ लोग हम इकट्ठा कर लेंगे, संगठन में जोड़ लेंगे, या तो सरकार हमारे अधिकार दे देगी, नहीं हम अधिकार संवैधानिक रूप से कैसे लेते हैं हम संगठन जानता है। सर, अभी हाथरस में घटना हुई, क्या उसके बारे में कुछ किया गया आपने समाज के? बिल्कुल, हमारे संगठन के माध्यम से पूरे देश के अंदर हाथरस की घटना हुई है, उसके जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, और उसके बाद इस देश में और कम से कम 100 घटनाएं हो गई और उसके पहले भी हजारों घटनाएं, एक इस देश के अंदर 3 मिनट के अंदर एक हमारी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है। हाथरस की घटना केवल एक घटना नहीं है, यहाँ तो हर 3 मिनट में एक माता बहन के साथ बलात्कार हो रहा है। इस तरह जो संविधान में हमारी बहनों की सुरक्षा की बात कही गई है और इस देश में इस तरह की बातें हो रही है, इसको तत्काल बंद होना चाहिए और सरकार को इस तरफ लेना चाहिए। और हमारे संगठन ने पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और संबंधित मुख्यमंत्रियों को राज्यपालों को ज्ञापन दिया है ये घटना पुनरावृत्ति ना हो, पर आगे से हम चाहते हैं कि सरकार इनकी इन घटनाओं पर रोक लगाए और हमारी माता बहनें सुरक्षित रहे। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अभी तो ये अंगड़ाई है।